हेलो एवरीवन, निंजा प्लेट हियर। सो गाइस यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगिन इशू के बारे में। तो सबको पता होगा कि आज पैच आया है एंड पैच के साथ साथ बग भी आया है जो कि लॉगिन इशू वाला है एंड जो कि वीपीएन प्लेयर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ये लॉगिन इशू वाला, जो कि नॉर्मल प्लेयर्स है उनको बहुत ही कम हो रहा है। तो ज़्यादातर हम लोग के लिए ही प्रॉब्लम है, तो क्या हम लोग इसे फिक्स कर सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। एंड गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी दबा लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो चलो यार, इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यार, सबसे पहले तो इसको मैं बता दूं कि तुम लोग फिक्स खुद से तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट कुछ तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप लोग गेम खेल सकते हो। बट ये लॉगिन इशू जो है स्टिल रहेगा जब तक रायट गेम्स इसे ऑफिशियली फिक्स नहीं करते हैं। तो भाई दो तरीका है गेम खेलने का, बट आप अपने मेन अकाउंट से नहीं खेल पाओगे। एक तो पहला तरीका है कि आपको जो है नया आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं सुबह के स्ट्रीम में आपको पता था, मैं करीब करीब मैं एक घंटे से कम का ही स्ट्रीम किया था, जिसमें मैं पूरे स्ट्रीम में गेम नहीं खेल पाया हूँ। मैं बस लॉगिन करने की कोशिश ही कर रहा था बट लॉगिन हुआ नहीं। एंड लास्टली मैं एक बार लॉगिन हुआ था, वो भी मेरा सेकेंड अकाउंट में। तो गाइस, जो अगर आपके पास अगर दूसरा अकाउंट है जो कि आपका स्मर्फ है, जो कि आप पहले बहुत पहले से नहीं खेल रहे हो, तो उसमें आप खेल सकते हो। तो वो कैसे आपको करना है कि आपको मतलब पहली बार में लॉगिन नहीं होगा आपका जो स्मर्फ अकाउंट रहेगा, आपको कम से कम 2 से 3 बार या फिर 5 बार भी ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले सिंगापुर में ट्राई करना है, अगर सिंगापुर में नहीं हुआ तो फिलीपींस में ट्राई करो, फिलीपींस में भी नहीं हुआ तो नीदरलैंड्स में करो, क्योंकि मेरा नीदरलैंड्स में मेरा 3 बार लॉगिन आज हुआ है और 2 बार मेरा जो ओरिजिनल आईडी है उसमें हुआ था, जो कि मैं सुबह को पैच जो अपडेट करने के बाद कर रहा था तो हुआ था, लेकिन तीसरी बार नहीं हो रहा था, मतलब उसके बाद नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, एक वे है कि आप स्मर्फ पे अपना खेल सकते हो। और दूसरा वे है कि अगर आपके पास स्मर्फ नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको नया आईडी खुद का ये जो है एक बना सकते हो। तो नया आईडी बनाने से क्या होगा कि गेम में तो आपका लॉगिन हो जाएगा, बट यही है कि आपको न्यू अकाउंट पे खेलना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपको खेलने के लिए तो मिल जाएगा जब तक लॉगिन इशू फिक्स नहीं होगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आपका ओरिजिनल अकाउंट से आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं करीब करीब बहुत देर तक, आप स्ट्रीम जाके मेरे लास्ट वाली चेक कर सकते हो, मैंने 1 घंटे से कम की स्ट्रीम करी है, बट पूरा स्ट्रीम मैं लॉगिन ही कर रहा था और लॉगिन 1 बार भी नहीं हुआ है। तो भाई इम्पॉसिबल है, सोचो यार, मैं 1 घंटे तक लॉगिन मेरा नहीं हुआ तो आप लोग का कैसे हो जाएगा। बाय फॉल्ट ही किसी किसी का लॉगिन हो सकता है, वो भी 1-2 बार के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लॉगिन होगा। एंड अगर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपका अकाउंट एक बार अगर आप लॉगिन करने में सक्सेसफुली हो जाते हो तो गाइस, उसके बाद आप जो है मैच मेकिंग वीपीएन से मत करना, वीपीएन के बिना ही करना मैच मेकिंग। क्योंकि अगर आप गलती से भी वीपीएन ऑन कर लेते हो तो आपका जो है वो मैच मेकिंग जो है हो जाएगा, बट जब आप वीपीएन ऑफ करोगे मैच मिलने के बाद तो ऑटो जो है आप गेम से किक हो जाओगे, मतलब रिकनेक्टिंग वाला आएगा और आप जो है यहाँ पर आ जाओगे लॉगिन वाले पे। तो गाइस यही था, एंड ऐसे अगर आपको खेलना है तो आप खेल सकते हो, क्योंकि मैंने अपना दूसरा आईडी पे करके दिखाया भी है, स्ट्रीम में मैंने करा भी था, तो आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो। बस वही है कि हम लोग 2 वे में खेल सकते हैं अभी गेम को, तो मैं भी यही करूँगा अभी शाम को। तो भाई क्या ही कर सकते हैं कि ओरिजिनल अकाउंट पर तो खेल नहीं सकते, बट न्यू अकाउंट मैं आपको यहाँ पर क्रिएट करके भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो VPN तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट VPN आपका जो है अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। सो भाई फिलीपींस या फिर नीदरलैंड सबसे बेस्ट है, ट्राई कर लेना। तो फिलीपींस में सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं नया अकाउंट दिखाता हूँ आप लोग को सेलेक्ट करके, क्योंकि पहले ओल्ड वाले पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा ओल्ड अकाउंट जिस पे मैंने करा है लॉगिन, बट यहाँ पे लॉगिन हो ही नहीं रहा है भाई। मतलब लाइक मैं सुबह से ही ट्राई कर रहा हूँ बट बिल्कुल भी लॉगिन नहीं हो रहा है। और भाई ये पता नहीं सब लोग का हो रहा है कि सिर्फ हम ही लोग का जो VPN से खेलते हैं उनका ही, और मेरे को तो लग रहा है VPN प्लेयर्स का ही सिर्फ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख सकते हो अनेबल टू लॉगिन फ्रॉम दिस रीजन, यही आएगा, हर रीजन में ट्राई कर लो यही आएगा। लेकिन अगर आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ये वाला आईडी पे जो है वो नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी गेम का अभी नहीं है। तो यहाँ से मैंने लॉगिन किया, तो देखते थोड़ा वेट करते क्या आता है।
सो यहाँ पे ऑब्वियसली लॉग इन हो जाएगा, आपको जो है वो करना पड़ेगा, मतलब नया अकाउंट बस बनाना पड़ेगा, देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ वगैरह मांगेगा, इसके बाद जो है आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा, बट मेरे को अभी नहीं करना है। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ऐसे लॉग इन कर सकते हो, बट और कोई दूसरा वे नहीं है लॉग इन करने का, लाइक कर नहीं सकते। देखो इस पर भी मैं दिखा देता हूँ, तो इसमें भी मेरा जो है पहले से मैंने बना कर रखा है, बट यहाँ पे मैंने सर्वर सेलेक्ट नहीं किया था, तो सर्वर का मेरा आता है सेलेक्ट करने का। तो ऐसे करके आप लोग बना के खेल सकते हो, नया अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ओल्ड अकाउंट पे आप बिल्कुल भी खेल नहीं सकते हो भाई, इम्पॉसिबल है, मैंने बहुत ट्राई किया। या फिर यहाँ पे आपको छोटा सा एक आइकन दिख रहा होगा गेम रिपेयर का, ये जो जो है लैंग्वेज वाला सेलेक्ट करने वाला था उसके नीचे, तो गेम रिपेयर करके भी आप लोग ट्राई कर सकते हो लॉगिन करने का, तो कभी कभी हो जा रहा है। तो भाई बस यही था इस वीडियो में, एंड अगर आपका लॉगिन हो गया तो भाई आप बहुत ही लकी हो, वीपीएन वापस से ऑन मत करना गेम एक बार लॉगिन हो जाए तो। सो गाइस यार चलो यार इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप कि मैंने आपको हेल्पफुल जो है बताया है, जो कि ट्रिक है, आप ट्राई करके ज़रूर से देख लेना, एंड वर्क करे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो चलो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।